नमस्ते, मैं चांदनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल देसी डिलाइट सब पर। आज हम बनाएंगे ओडिशा की एक ट्रेडिशनल रेसिपी कांजी। कांजी बनाने के लिए आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्रॉड बीन्स या बकला, थोड़ी सी कद्दू, मूली, भिंडी, बिंजल और गुआर को लिया है। वैसे तो कांजी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर ड्राई मैंगो से कांजी बनाऊंगी और उसके साथ कटा हुआ चिली, टमाटर, अनियन और थोड़ा सा राइस को पानी में भिगोकर उसको दरदरा पीस लिया है। ये राइस वाटर है, जो राइस बनने के बाद जो एक्सेस पानी हम निकाल देते हैं, ये पानी को मैं यहाँ पर यूज करूँगी। कांजी बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है और इसमें मैं वो राइस वाटर डाल दूंगी। अभी मैं इसको हाई फ्लेम में थोड़ा उबाल लूंगी। अभी एक उबाल आ गया है, अभी हम इसमें पिसा हुआ राइस को डाल देंगे। अभी थोड़ा इसमें हल्दी डालेंगे। और थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे। दो मिनट हो गया है, अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। अभी मैं वेजिटेबल को डाल रही हूँ, जो वेजिटेबल थोड़ा पकने में टाइम लगता है पहले मैं उसको डालूंगी और बिंजल भिंडी बाद में डालूंगी। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 5 मिनट्स बॉईल के लिए छोड़ दूंगी। अभी 5 मिनट्स हो गए हैं, अभी हम इसमें बाकी का वेजिटेबल्स डाल देंगे। भिंडी, बिंजल, अनियन और चिली। और थोड़ी देर पकने देंगे। अभी सारे सब्जी अच्छी तरह से पक गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। अभी हम कांजी को एक तड़का देंगे, उसके लिए मैं एक पैन गरम कर रही हूँ। पहले गार्लिक को थोड़ा कूट के डाल रही हूँ। इसको गोल्डन ब्राउन में फ्राई करेंगे। फिर मैं यहाँ पर ड्राई चिली, ग्रीन चिली और थोड़ा नींबू डाल देंगे। इसको थोड़ा साइड करके अब डालेंगे 2 टीस्पून मस्टर्ड, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून सौंफ। कड़ी पत्ता को डालेंगे।
सभी तड़के को कांजे के ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कांजे अब बनके रेडी हो गया है।